नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। टीकमगढ़ में दो नीलगाय का किया रेस्क्यू। वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा प्रभारी टीकमगढ़ के सफल नेतृत्व में दो नीलगाय का किया गया रेस्क्यू। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 7 अगस्त सोमवार की शाम को सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ एवं जतारा की सीमा के मध्य दीगुड़ा पनियारा खेरा और लिधौरा परिक्षेत्र सहायक वृत्त अंतर्गत राजस्व ग्राम वैदो और देगुड़ा हार के पास एक पट्टे की भूमि में बिना जगत के बने कुएं में दो नीलगाय गिर गई, जिसकी सूचना के आधार पर तत्काल वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ और वन परिक्षेत्र जतारा की दो टीमों का गठन करके रेस्क्यू एक्सपर्ट के साथ मौके से जेसीबी मशीन को भेजा गया, जिसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं में गिरे हुए दो नीलगाय वन प्राणियों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू करके जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया। उक्त कार्रवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों का सहयोग सराहनीय रहा। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र का मामला होकर रेस्क्यू करने से बचने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तेजतर्रार वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा प्रभारी टीकमगढ़ शिशुपाल अहिरवार के द्वारा नेतृत्व करते हुए टीकमगढ़ और जतारा के स्टाफ को कड़क निर्देश देते हुए उक्त रेस्क्यू को सफलतापूर्वक कराया गया, जिसमें वन परिक्षेत्र जतारा के एक दर्जन से अधिक और वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ के 8 से 10 कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे और कुएं में फंसी हुई दो वन्य प्राणी नीलगाय का सफल रेस्क्यू अपने वरिष्ठ अधिकारी के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में किया और दोनों नीलगाय को सुरक्षित जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया। उक्त रेस्क्यू से सभी ग्रामीण वन विभाग के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए नजर आए। टीकमगढ़ से ब्यूरो चीफ महेश वर्मा की रिपोर्ट।